पत्थर उते लिख ऐलो को पत्थर उते लिख ऐलो को कहती दुनिया सारी दुनिया बिच निभानी पैनी सब दुनियादारी दुनिया बिच निभानी पैनी सब दुनियादारी दुनियादारी इंसान गिरदा ही उदों है जदों नूं ठोकर लगदी सीधा चलदा आदमी कदे गिरिया दसो मैनू हुण तुहानूं की पता उत्थे की करदी सी ओह नाले गायब किवें हो गई ओह वैसे इन्वेस्टिगेशन च कुछ पता लगा साडी तरीफ इह साडे घर दा होण वाला जवाई है जी तुसीं कुछ दिनां लई कनेडा चले जाओ क्यों ओह पुछगिछ तों तुसीं बच जाओगे मैं डरदा थोड़ी हां तू तो इदा कह रहा जो रूप में मैं गायब किया हों मेरे कहन का मतलब वह नहीं जनाब पर पुलिस का कोई भरोसा नहीं जदों उन्होंने असली मुजरिम नहीं ना मिलता तो किसी ने भी गलत केस च अंदर करके ना साबित भी कर देंगे ने पता है मैं जनाब इदा नहीं हो सकता भी वह कुड़ी किसी भज गई होवे एवें केसा का यही रिजल्ट निकलता है इस बारे भी पता किया पर किसी बारे कुछ तो पता हो ना जे तुसी किसे मेल दी ईगो नूं हर्ट करोगे तो बंदा जानवर ही बनूगा वैसे तुसी की कहने हो इस बारे मैनूं कुछ नहीं पता सर मैं मेल ईगो दी हर्ट दी गल कर रहा हाँ जे कोई थोड़ी ईगो नूं हर्ट करे तो तुसी की करोगे दसो मैं अपने अंदर ईगो पालदा ही नहीं सर इंसान का सब तो वड्डा दुश्मन उहदा अपना ईगो हुंदा है अक्सर लड़ाई भी इसे करके हुंदी है किस मिट्टी दे बने हो तुसी शांति ते तीरज दी मिट्टी में वैसे मन गया तुहानू चंगा हुण मैं चलदा कुछ सोचना पो सत श्रीकाल जनाब मैं युवराज हाँ अच्छा तो तू है युवराज पर सुनया है तू पिंड वाले नूं बहुत दुखी करदा हूँ नहीं जनाब लोग तो झूठ बोलते हैं अच्छा तू सच्चा है ना गल की है जनाब तुसी मैनू क्यों बुलाया ये दस रूप नूं कित्थे लुका के रखे हुए की गल करते हो जनाब तेरा उहदी भैण नाल झगड़ा होया सी ना नहीं जनाब मैं तो उहदे नाल विआह दी गल कीती बस इसे करके उह नाराज हो गई अच्छा गल सुन ओए ओह तेरे वर्गे शराबी नाल कोई खानदानी कुड़ी क्यों विआह करूए मैं तो उहनूं कहा सीगा जी मैं शराब छड्ड दूंगा ओ फिर भी नहीं मनी अच्छा इस करके बदला लैण लई तो उहदी भैण नूं चक लिया है ना ओ जनाब उहदी भैण नूं चक के मैं की करना जे मैं चकना ही हुंदा ता सीधा प्रीत नूं ना चकदा ओ की पता उहना हाथ लगी होवे तो उहनूं चक लिया ओ नहीं जनाब उहदे नाल किहड़ा मेरा विआह हो जाणा सी गल सुन मैं सुणिया तूं उहनूं आउंदे जांदे छेड़दा भी सी ओ छेड़दा नहीं सी जनाब मैं तो उन्होंने अपने दिल की गल दसदा सी जद भी मैं उहदे नाल इह गल करां तो मैनू गालां कढ़दी सी पर गुस्सा तो मैनू उदों आउंदा सी जदों मुंडा विच आ जांदा सी किहड़ा लड़का ओ हैगा एक मुंडा जी मैं तो इन्ना भी सुनया कि प्रीत का विआह भी उहदे नाल होण वाला तैनू किवें पता लै पिंड वाले कहिंदे आ जी जदों मैं उन्होंने घर गया सी मैं उदों भी देखिया सी उन्होंने घर आंदा जांदा है ते तू हाले भी प्रीत दे पिछे है मेरे पिछे पैन नाल की होगा जी वह भी तो राजी होनी चाहिए है होर तो होर जी एक बार प्रीत ने मेरे नाल रल के वह मुंडे नूं मचाने लई ड्रामा भी किया सी बस कर बंद कर अपनी बकवास
जे मैनू दोबारा कते माड़ी जी भिणक लगी ना तो ऐसी ऐसी थां ते मारूंगा ना तो नानी याद कराऊं तेरी। मैं झूठ नहीं कह रहा जी, चाहे तुसी वो मुंडे नूं पुछ लो चाहे प्रीत नूं पुछ लो, मेरी उहदे नाल कोई दुश्मनी नहीं हैगी। ठीक है हुण तू जा, मैं सब पता कर लूं, पर जे तेरी गल झूठ निकली ना तो तू दोबारा कदे झूठ बोलने लायक नहीं रहना, समझे? ठीक है जनाब। मैं थोनू मिलन आ रहा। मैं जरा जल्दी विच आ, भैन दी केस तो भी ज्यादा कोई जरूरी काम है। वैसे जा किथे रहे हो? मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओ मैं छोड़ देना, थोड़े ना कुछ गल्लां करनी है नी, कुछ सवाल पूछने हैं। अब हाँ जी पूछो। ये भला युवराज किहो जिहा बंदा है? महा घटिया बंदा है, अक्सर मैनू छेड़दा रहिंदा। ओ तां चंगा होया कि एक दो बार मैनू लवली ने आके बचा लिया सी। अच्छा ये तुसी खुद उहनू मौका दोगे तो छेड़ूगा ही? मौका? मैं कुछ समझी नहीं, तुसी की कहना चाहुंदे हो? बबली ओ मेरा मतलब लवली, ओनू चढ़ाउण लई तुसी हथियार वांगू इस्तेमाल कीता उहदा, ये गलत गल है। हाँ ओ मैं सब समझदा, तुहाडे वर्गे आप पहला उंगली फड़ाउंदे आ, अगला जदों हथ फड़दा तां रौला पाउंदे हो। मैनू गल दसो, जल्दी पुछो, मैं कॉलेज जाना है। युवराज थोड़े नाल विआह करना चाहुंदा है ते थोड़ा रिश्ता लवली ने जोड़ता, मैनू गल दसो ये थोड़े दोवां भैणां दे विच अंडरस्टैंडिंग ठीक सी? ठीक नहीं बल्कि इंस्पैक्टर, साढ़े दोवां दा बहुत प्यार है, असीं दोनों सहेलियां वांग रहिंदे आ। अच्छा मैनू गल दसो वी थोड़े दोवां भैणां दे विच किसे गल नूं लै के कोई अणबण होई होवे? मैनू लगदा इंस्पैक्टर तुसीं केस विच उलझे होए हो, तुहानूं कोई क्लू नहीं मिल रहा इसलिए तुसीं किसी तो भी कुछ भी पूछ रहे हो। वैसे इस सवाल दा रूप ते लापता होने की मतलब है? हेलो आ टोन थोड़ी जी थल्ले करके गल करो, जिवें मैं थोड़े नाल आराम नाल गल कर रहा, समझे? तुहानू पता भी है रूप नू लापता हुए 4 दिन बीत चुके ने ते तुहानू अजे तक उहदा कोई क्लू नहीं मिलिया ते उपरों तुसीं वधा चढ़ा के गल्लां कर रहे हो। तुहानू पता भी है कि साढ़े घर की हालत की है, अंदर जाके वेखो, एवें लगता है घर नहीं शमशान है, सारे चुप ने सारे दुखी ने, ते चाची उन्हां दा तां रो रो के बुरा हाल होया पिया है, ते उपरों तुसी आ जाने हो परेशान करन। जे तुहाडे तो कुछ नहीं हो रहा तो सानू दसो, असी अपने तरीके नाल पता लगा लवांगे। अपने तरीके नाल मतलब? जरा वो तरीका मैनू भी दस दिओ, शायद मैं उन्हें यूज करके रूप नूं लभ लवां। प्लीज मेरा टाइम बर्बाद ना करो, जे तुहाडे सवाल जवाब खत्म हो गए होण तां मैं जावां हुण। जाओ, मैं कह भी की सकदा, बस नज़र रख सकदा। ठीक है तां ओही करो। बहुत पहुंची हुई चीज है, कोई नहीं मौका पाके इन्हें भी पहुंचाना पड़ेगा। एक ही तो फोन है। हेलो हेलो हरमन। हाँ बेटा की हाल चाल है? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਵਨੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਦਈਂ ਜ਼ਰਾ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ। ਨਵਨੀਤ ਬਾਬੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ
उन्होंने कुछ दसी ना तो ये तो परेशान हो जाए। हेलो सत श्रीकाल बहू जी। सत श्रीकाल पुत्र, की हाल चाल है? ठीक है बहू जी। की होया बेटा, तेरी आवाज तो लगता कि तू खुश नहीं है, बहुत दुखी है, सब ठीक है ना? हाँ जी ठीक है बहू जी। नहीं पुत्र, तेरी आवाज तो तू खुश नहीं लग रही। नहीं नहीं बहू जी, सब ठीक है। हो जी कोई गल नहीं बहू जी, मैं बहुत खुश हूँ। तू रो रही है बेटा? नहीं नहीं बहू जी, वो थोड़ा जा जुकाम हो गया सी ते तई मेरी आवाज भारी हो गई। पुत्र रूप नू फोन दई एक मिनट, मैं ना आने लगे भी उन्हें मिल नहीं सी सकिया, उदी बहुत याद आ रही है। बाऊ जी वो रूप दे ना पेपर चल रहे हैं ते रूप आज पेपर देन गई हुई है। अच्छा कॉलेज गई है, चलो वाहेगुरु उन्हें कामयाबी बख्शे। ते परम दा की हाल चाल है? वो भी ठीक है। ए इन्हां नाल गल करो बाऊ जी जरा। हाँ बाऊ जी इतने सब ठीक ठाक है, तुसी फिकर ना करो, रूप जिदा ही आएगी मैं उन्हें तुहानू कॉल करने लई कहांगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके सत श्री अकाल। सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। हेलो हेलो रूप, हेलो हेलो रूप, तू किथे है? हेलो तेनू पता सी किन्ने परेशान हो रहे सी, तेनू तेनू किथे किथे नहीं लभे आ, हुण हुण जल्दी बोल किथे है तू। हेलो 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 रूप, हेलो की होया प्रीत? रूप दा कॉल सी। की किया? पता नहीं चाची, जदों तक कुछ बोल दी फोन ही कटिया गया, बस हेलो ही किया उन्हें। उन्हें पूछता लेंदी हो किथे है? चाची जी पूछिया सी पर फोन ही कटिया गया। एक काम कर दोबारा फोन ला। बंद आ रहा चाचा जी। दोबारा लगा, कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, दोबारा ला के देख। फोन ऑफ है चाचा जी, नहीं लग रहा। हुणे हुणे तां गल होई है, फिर ऑफ किदां हो गया? मैनू की पता चाचा जी, बैटरी डाउन होनी जिवें हमेशा रहिंदी है। मैं उहनूं कहिंदी सी कि बुरी आदत है, छड़ दे आदत, पर उहने मेरी कदे गल ही नहीं सुनी। देखिया फस गई ना इस बार, पक्की गल है चार्जर भी नहीं उहदे कोल होणा। गल्लां करनियां बंद कर, उहनूं कॉल लगा के देख। चाची जी वो तो फोन ही ऑफ आ रहे हैं, तो किवें लगूगा? कहो जी कुड़ी है तू, घटो घट ये तो पूछ लेंदी किथे हो। पर तेरे खाने गल पैंदी है कि नहीं, जब कह रही है कि फोन ही कटिया गया, फिर वो किवें पूछ लेंदी कि वो किथे है? ओदे फोन दा इंतजार ही करना पैना, होर कुछ नहीं कर सकते असीं। बैटरी चार्ज करके वो कॉल करेगी। अगर वो अपना चार्जर ना लेके गई हुई नाल, फिर तो इंतजार करने तो सिवा और कोई चारा नहीं सकता। चल घटो घट ये तो पता लग गया कि वो ठीक है, पर ये तो नहीं पता चले ना कि वो है किथे। पता चल जाएगा चाची जी, तुसी हाइपर ना होवो, ओदी कॉल आ जाएगी, मैं खुशखबरी सब नू देके आउनी आ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी नू कुछ नहीं होया, वो जिंदा है इंस्पेक्टर साहब, वो जिंदा है। किने कैसे वो मर गई? सर इन्ने दिनों तो यही ख्याल दिमाग च घूमी जांदे सी, मैं तो बस इसलिए गया सी।
क्यों कि तू खबर मिली सी? हाँ जी उधर फोन आया सी। की कहा सी उन्हें? मेरे को लेके आए मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊं पकड़ टिकाने ले दूं। आप भी परेशान कि अस भी परेशान? सर सिर्फ उधर फोन आया सी, उन्हें सिर्फ हैलो किया तो फोन कट गया। मतलब? यही तो सर सानू नहीं समझ आ रही, प्रीत ने फिर दोबारा उसके नंबर पर फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ मिल रहा सी। हैलो तो अलावा कहा कुछ उन्हें? नहीं सर। हलदार गायब होने तो पहला उसका फोन ऑन हुआ सी ना? लोकेशन पता कर। जी जनाब। सर सर वो उदी एक बहुत भैड़ी आदत सी, वो फोन कदे कदे ही चार्ज करती सी, अक्सर उसका फोन स्विच ऑफ ही रहिंदा सी। असी बथेरी बार कहा है पर वो मंदी नहीं सी। उदी बुरी आदत के कारण कौन भुगत रहा हूँ? वो खुद नहीं असी भुगत रहे हैं। सर हुण तुहानू टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है। मतलब हुण ते उहदा पता लग ही गया ना सर। वो कित्थे पता लग गया? जदों तक वो घर नहीं आउंदी साडी ड्यूटी जारी रहनी। पर कानून नूं मजाक समझ रखिया तुसीं है ना, तुहाडे बाप दी जगीर है। मूंह चक के तुर पैंदे हो, रिपोर्ट लिखवा दो, केस बंद करवा दो। इन्ना आसान नहीं, केस बन चुकया हुण इह। उहदे आउण तों बाद भी पुछगिछ होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है। नाले तुसीं किन्ने यकीन नाल कह सकदे हो कि वह सही सलामत है? थानू पता है कि वह घर वापस आऊगी? ऐदा ना कहो सर, वो वापस आ जाएगी। देखो तुसीं भावनावां दे विच बह सकदे हो पर कानून नहीं, हाले साडी जिम्मेवारी खत्म नहीं हुई। असीं उहदी लोकेशन का पता करांगे ते फिर थोड़े नाल गल करांगे। ते हाँ एक गल होर, जदों उहदा फोन आवे ना तुहानूं रिकॉर्ड कर लिओ, गड़बड़ लगदी है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ सर? वो मैं हाले नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी हाले श्योर नहीं, पर घरदे नूं कहना असीं बहुत छेती उहदा पता लगावांगे, छेती उहदा टिकाणा लभ जू। तुसीं जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। हरमन जे वो ऐदा ही रोंदी रही तो उहदी सेहत खराब हो जाएगी। माँ है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं तो भाभी जी उन्हें समझा समझा के परेशान हो गया, रो रो के बुरा हाल किया पिया। मैं उन्हें कहा रोन नाल की रूप वापस आ जाएगी, सानू तो सगों खुश होना चाहिए कि वह फोन आया सी, वो ठीक है, हो सकता है फिर दोबारा कॉल कर लवे या शायद आप ही आ जाए। हाँ सच, लवली का कॉल आया सी। की कहता सी? रूप बारे पूछ रहा सी। मैं उन्हें दस दिता कि उसका फोन आया सी ते हैलो तो बाद कटिया गया। मैं उन्होंने ये भी दस्या कि असी पुलिस को गए सी, वो कहिंदे असी उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करा। देखो की करती है पुलिस। जे तू मेरी गल ना मनी ना तो सारी पहचान धरी दी धराई रह जानी है। कानून सब तो वड्डा हुंदा है, उहदे सामने नेता ते अभिनेता की कोई वैल्यू नहीं हुंदी। जे तू अपना धंधा बंद ना किया ना तो मैं तैनू चक के बंद कर देना अंदर, समझ लै मेरी गल नूं। मैं तैनू सिर्फ कल तक दा समां दे रहा हाँ, आ तेरे नेता दा जिन्ना माण रखना सी ना मैं रख लिया, हुण पाणी पोलां दे उपरों निकल चुके। हाँ ओके जनाब, रूप ने जिस जगह तो कॉल किया सी उस लोकेशन का पता लग गया है। गुड, अच्छी गल है।
जनाब यही जगह है। इतने को डिजर्व है नहीं, कितने लगभगे? जगह भी काफी लंबी है, लगना मुश्किल होगा। पर एक गल हो सकती है, हो सकता है इतने आके रूप ने कॉल की होगी, तो बाद दे विच उदा फोन ऑफ हो गया होगा। जी तो ये भी हो सकता है कि किडनैपर उन्हें किडनैप करके इस पासे दी लंघिया होवे, ते रूप ने मौका पा के फोन करने की कोशिश की होवे। मैं तो लग रहा है वो कुछ गलत की थोड़ा मतलब की है इंस्पेक्टर? मैं लग रहा है कि उन्हें मार के उत्ते दबता होवे ते उदा फोन खो के कितने सुटता होवे। असी सोचा भी जिन्हें किडनैप किया हो जरूर किसी कमरे च बंद किया होगा, पर उत्थे तां जंगल सी पूरा, ना कोई घर सी, ओपन एरिया सी सारा। फिर असी सोचा भी किसी ने मार के इन्हें इत्थे ही दबता हो, पर ऐसा भी कुछ नहीं मिलया, कोई क्लू नहीं मिलया। फिर तुसी किदां कह सकदे हो कि रूप नाल कुछ गलत होया सी? सिचुएशन तां इही कहिंदी है। तुहानूं लग रिहा है ना कि रूप जिंदा नहीं है? गलत, वो जिंदा है। तुसी उन्हें लभण विच हुण कोई कसर ना छड्डियो। तुसी टेंशन ना लो, मैं हुणे करंट लोकेशन पता करना है।